दिक्कत है, चैलेंज करना पिया। कल 12 बजे उत्थे तंबू कट देंगे, ठीक है। तो जिहड़ा किसान मेला दिल्ली वाला बनया सी ना, चडूनी नूं सद के इत्थे ओह आईटी चौंक ते बनवा देंगा, अगर मेरे लड़के दी मान लो ना कार्रवाई होई। तो सी ए टू को भी कहना चाह रहा हूँ भी जो 11 आरोपी हैं अगर उनमें से बच गया कोई तो मैं कोर्ट में 119 की धारा के तहत मैं केस डाल दूंगा। फ्रंट पेज पे छाप दियो जिसने को करना कर। बेटी सी पर हुण मेरी कुछ नहीं लग रही, मेरे सामने फांसी होएगी, मैं अपने अखां अग वेखांगी जिवें मेरे बेटे दी हालत मैं वेख नहीं सकदी। मैं किवें अपना बेटा वेखां, मैं बहुत मुश्किल पालिया सी, मैं उहदे नाल वेख अख भर के वेख भी नहीं सकदी जो मेरे बेटे दी हालत कीती उहनां ने। किवें वेखां मेरा हीरा बच्चा सी जिहड़ा इन्ना रोल छड़िया उत्ते रोलिया मेरी बेटी ना रल के। मैं अपनी बेटी हुण मेरी कोई बेटी नहीं हैगी, मैं अपने आनियां मेरे सामने उन्हां दोवां नूं फांसी लगनी चाहीदी। जिन्ना मैंने मैनूं देखदे अपने बच्चे नूं मैं बड़ी खुशी नाल खेलदिया सी, मेरा आया नहीं परत के। मैं होर कुछ नहीं चाहती, मैं आनियां उन्हां नूं सज़ा मिले ते मेरे बच्चे नूं मैनूं वेख्या जाए। उन्होंने प्रयास किया, अब तो हमारा उससे भी विश्वास उठ गया है। कल एमपी साहब का चुनाव था, हमने 22-22 गांव उनके लिए किए, वोटें मांगी, भीख मांग के उनको एमपी बनाया, आज कहाँ एमपी साहब। पीड़ित परिवार है, कोई सूद बूदी ले ले वैसे ही आ जाए जी, नहीं कुछ मदद होती है तो परिवार के बस आके खड़ो, एक हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। आप मेरे को हौसला दे दो, ये काम कर दो, आपकी सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। किसने हौसला भी नहीं दिया, मैं तो मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी, मीडिया का जो पीड़ित परिवार के पास हर दूसरे तीसरे दिन आके इनकी आवाज़ उठा रही है जी। हमें मीडिया का सहयोग है और किसी का सहयोग नहीं है जी। हमें अब तो हमारी बेटी थी पर हुण मेरी कुछ नहीं लग रही, मेरे सामने फांसी होएगी, मैं अपने अखां अग वेखांगी जिवें मेरे बेटे दी हालत मैं वेख नहीं सकदी। मैं किवें अपना बेटा वेखां, मैं बहुत मुश्किल पालिया सी, मैं उहदे नाल वेख अख भर के वेख भी नहीं सकदी जो मेरे बेटे दी हालत कीती उहनां ने। दिक्कत है, चैलेंज करना पिया। कल 12 बजे उत्थे तंबू कट देंगे, ठीक है। तो जिहड़ा किसान मेला दिल्ली वाला बनया सी ना, चडूनी नूं सद के इत्थे ओह आईटी चौंक ते बनवा देंगा, अगर मेरे लड़के दी मान लो ना कार्रवाई होई। तो सी ए टू को भी कहना चाह रहा हूँ भी जो 11 आरोपी हैं अगर उनमें से बच गया कोई तो मैं कोर्ट में 119 की धारा के तहत मैं केस डाल दूंगा। फ्रंट पेज पे छाप दियो जिसने को करना कर। पीड़ित परिवार है, कोई सूद बूदी ले ले वैसे ही आ जाए जी, नहीं कुछ मदद होती है तो परिवार के बस आके खड़ो, एक हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। आप मेरे को हौसला दे दो, ये काम कर दो, आपकी सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। किसने हौसला भी नहीं दिया, मैं तो मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी, मीडिया का जो पीड़ित परिवार के पास हर दूसरे तीसरे दिन आके इनकी आवाज़ उठा रही है जी। हमें मीडिया का सहयोग है और किसी का सहयोग नहीं है जी। हमें अब तो हमारे यार दोस्तों इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल से। 10 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें विक्रम का पता लगा था कि उसकी बहन के द्वारा उसका जो है हत्या करवा दी गई है और उसका जो शव लाने के लिए हर संभव कोशिश जो है परिवार द्वारा की जा रही है, गुहार लगाई जा रही है, पर परिवार का साथ देने के लिए अभी तक कोई भी आगे नहीं आ रहा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को आप लोगों के सहयोग तक वहां तक पहुंचानी है कि विक्रम का जो शव है वो जल्द से जल्द जो है करनाल उनकी माता जी के पास पहुंच जाए। माता जी की लास्ट इच्छा है कि मैं अपने बेटे का दाह संस्कार अपने हाथों से करूं और आखिरी बार अपने बेटे को देख लूं जी। आपको बता दें एक निर्दयी जो कहेंगे बहन द्वारा ही अपने भाई को मरवा दिया गया था। इसमें आपको हमने पहले भी कई खबरें दिखाई हैं जिसमें माता जी गुहार लगा रही थी कि मेरे बेटे का शव जो है मेरे पास आ जाए और मेरी बेटी को सख्त से सख्त सज़ा, मेरे सामने ही फांसी की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। हालांकि माता जी का कहना है कि आज से पहले वो मेरी बेटी थी, जब से पहले जब तक विक्रम की हत्या नहीं हुई थी उससे पहले वो मेरी बेटी थी, उसके बाद वो मेरी बेटी नहीं है, मेरे सामने ही उसको फांसी की सज़ा दे दी जाए। माता जी से जानने की कोशिश करेंगे, माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, माता जी क्या कुछ कहना चाहोगे, विक्रम का शव को आपके पास आना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। मेरा बेटा जरूर आना चाहिए, मैं एक बार अपने बेटे को अपनी अखी देख लवां, मेरे बेटे नाल बहुत बुरी हालत करी, मेरे तो फोटो नहीं वेखी जाती उहदी, मैं किवें वेखां मेरा हीरा बच्चा सी जिहड़ा इन्ना रोल छड़िया उत्ते रोलिया मेरी बेटी ना रल के। मैं अपनी बेटी हुण मेरी कोई बेटी नहीं हैगी, मैं अपने आनियां मेरे सामने उन्हां दोवां नूं फांसी लगनी चाहीदी जिन्हां मेरे बेटे नाल ये काम कीता है। एक उहदा मामा है, उहने सारे काम नाल करवाए ने, उहनूं सरपंच जरूर होना चाहीदा पुलिस विच वे सारे, हाँ जी जरूरी होना चाहीदा।
उन्हें अगे भी बंदा मरवा के पैसे भर के वह निकल आया सी। हुण मेरा बेटा भी इन्हां दे नाल रल के उन्हें मरवाया है, उन्हूं जरूर सरपेंड होना चाहिदा है। उन्हूं वह अजे भी बाहर लगा फिरदा, उन्हूं गिरफ्तार भी नहीं किया उन्होंने, इन्होंने नहीं किया, सिर्फ वो दो ही किए ने, बाकी सारे बाहर ही लगे। भैन दे नाल कौन मिलया सी माता जी? वह एजेंट ही मिलया सी, एजेंट विक्रम ने जिन्ने हाँ सी हाँ जी जंटी सी नाल, जंट नाल ही उहदी गल सी, जंट ने नाल ही गल करके मेरे बेटे नूं बाहर इन्ने ही दिता सामना, इन्ने ही कल्या है, उहदी ते जान दी भी कोई सलाह नहीं सी हैगी। माता जी तुहाडे तों किन्ने पैसे ले सन एजेंट ने? एजेंट ने पैसे साडे कोलों 8 लाख रुपया लिया इन्ने, कुछ नाल भी बेटा लैके गया सी, सारा कुछ बेटा पातू पैसे नाल भी लैके गया सी, पर इन्हें मेरे बेटे नूं अगा जान ही नहीं दिता, जिथे जाना सी इन्हें मेरे बेटे नूं उरा ही करके सारा कुछ कर दी। ये मेरे बेटे नाल सारे काम करा के वापस आ गया, ये 28 तरीक नूं 29 तरीक नूं 3 नूं इत्थे वापस आ गया, पहलू मेरे बेटे दे सारे काम उत्ते करा के आया है। आनिया मेरे बेटे नूं जिस तरह करना सी ना ही ले जांदे ना घल दे उधर, मेरा बेटा मेरे कोल ते रहिंदा। ਮਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਵੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਉਹ ਹੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਪਛਾਣੇਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੌਲੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਏ ਉਹਦੀ, ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਵਾਂ ਆਪ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਡਬੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ? ਡਬੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਡਬੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇੰਨੇ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਮਰ ਕੇ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀ ਮੈਂ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਸਨ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਪਲੂਟੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਿਨਾਂ? ਮੈਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਹਾਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਵੋ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਵਿਕਰਮ ਕੋ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾ ਥਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੈ, ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਭੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੋ ਕੋ ਯਹੀ ਉਮੀਦ ਥੀ ਕਿ ਘਰ ਕਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਗਾ, ਵਿਕਰਮ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਘਰ ਭੇਜੇਗਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅਬ ਮਾਤਾ ਜੀ हाथ जोड़कर आप सभी से अपील कर रहे हैं, हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना ताकि इस परिवार का कोई ना कोई सहारा बनकर आगे आए। कुछ और लोग हैं यहाँ से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादी जी हैं, दादी जी से जान लेते। दादी जी की कहना चाहोगे? बड़ा माड़ा होया बच्चे नाल, और मेरा बच्चा घर होना चाहिए, इन्हों सज़ा मिलनी चाहिए है। मैं तो यही पुकार है थोड़े अगे, मेरा बच्चा घर, मैं अपने बच्चे वेख लाँगी, मैं शांति आ जाएगी। मैं बच्चा बड़े वक्त नाल पालिया सी, मेरा सोहना बच्चा है जड़ा मेरे हलाल कर छड़िया ने फड़ के इत्थे मारे, काचू मूँह ते मारे, बुरा हाल किया ने, वेख्या नहीं जाता, बेरहमी नाल मारिया ने मेरे बच्चे। मैं तो यही मेरा बच्चा आना चाहिए है, इत्थे मंगाओ मेरे बच्चे, मैं अखी वेख लाँगी ते मैनू शांति आ जाएगी माड़ी मोटी। तो इन्हों कंजरां नू सज़ा मिलनी चाहिए गे, जिन्ना मेरे बच्चे नाल ये हाल किया है, बड़ा बुरा हाल किया ने, वेख्या नहीं जाता। मैं तो यही आखना चाहिए सरकार नू, कहोगे बॉडी जल्द तो जल्द ले आवे? हाँ, जल्द तो जल्द मेरे बच्चे की बॉडी आनी चाहिए गे।
देख सकते हैं परिवार वालों की एक ही गुहार है कि जो विक्रम का शव है जल्द से जल्द परिवार वालों के बीच में पहुंचे, जो अंतिम संस्कार है वो अपने हाथों से करें। कुछ और परिवार के लोग हैं, चाचा जी हैं विक्रम के, उनसे जान लेते हैं की कहना चाहोगे कि सरकार थोड़ी सुन रही है, कोई गलबात हुई? भाई जी कोई सरकार कोई नहीं सुन रही साढ़े को। असी एस पी साहब न 3-4 दफा मिल चुके हैं, कोई आश्वासन देंगे ने झूठा, कोई काम नहीं कर दिया, ना कोई साढ़े घर तक आया MLA वगैरह, कोई मैंबर शैंबर MC वगैरह कोई नहीं आया। तो जो वोटा लैनिया होंगे ने सब तो पहलों पड़ोसियों के भी दवाया जाए, रिश्तेदारों भी दवाया जाए, इस तो बाद असी मान लो इतों मान लो 22 कार्ड वोटा भी कटवा लेनी ने अपनी, इतों चले जाना। तो साढ़े अगर लड़के का प्रशासन तो यही मंग है भी साढ़े लड़के की बॉडी अगर आ जाए तो बहुत मेहरबानी है, नहीं तो कल भाई है फ्रंट पेज पर छाप दिया जे। ए नहीं भी ये करना पाया हकीकत है, चैलेंज करना पाया, कल 12 बजे उत्थे तंबू कट देंगे, ठीक है। तो जरा किसान मेला दिल्ली वाला बनया सी ना चडूनी सद के इतने IT चौंक तो बनवा देंगे अगर मेरे लड़के की मान लो ना कार्रवाई हुई तो CA 2 को भी कहना चाह रहा हूँ भी जो 11 आरोपी हैं अगर उनमें से बच गया कोई तो मैं कोर्ट में 119 की धारा के तहत मैं केस डाल दूंगा, फ्रंट पेज पे छाप दियो, जिसने को करना कर ले मेरा। देख सकते हैं परिवार वाले अपील करते हुए भी अभी नजर आए कि अगर नहीं बॉडी आती तो धरना अवश्य लगा दिया जाएगा। परिवार वालों का कहना है कि जिला सचिवालय के सामने हम धरना है जो लगा देंगे। समाज सेवी है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है यहाँ पर परिवार की मदद हो रही है? देख नहीं रहे आप क्या मदद हो रही है, कोई विधायक नहीं आया यहाँ पे, कोई MP नहीं आया, कोई CM साहब का कोई ऑडिटर नहीं आया, कोई जिला अध्यक्ष नहीं आया यहाँ पे, कोई भी BJP का वर्कर नहीं यहाँ नहीं आया। इनकी स्थिति देखो ना, कितना बड़ा दुख है इनका जी। अब तो रो भी नहीं रहे हैं, तो अंजू भी नहीं आ रही अंदर से, इतनी दुखी होगी माता जिसका कोई अनुमान ही नहीं है। जवान लड़का चला गया इसका, कोई कबूतर बिल्ली थोड़ी थी जी। इनका पाला हुआ लड़का था, वो बचपन से पाला इन्हें बेचारी ने, 3 साल का था जब बच्चा, जब इसके पापा गुजर गए थे, माँ ने अपने खून से सींच के उसको जवान किया और आज इनके बीच में नहीं है। और सब लोग शोषणबाजी कर रहे हैं, सब जुगलेबाजी कर रहे हैं, सब बसली बटे रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पे किसी का। जी का कहना है सारी उम्र की पूंजी लगा दी मैंने, जितनी कमा रखी थी कि घर का सुधार होगा, विक्रम को बाहर भेजूंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी अब पैसों को लेकर काफी तंगी आ चुकी है परिवार। पैसे की बिल्कुल ठीक है बात, आप बिल्कुल अच्छी बात की आपने, पैसा तो चलो कोई नहीं, आप लोग बहुत समाज सेवी हैं, किसी से वो जाएगा पैसे का तो हो जाएगा सिस्टम, होगा तो जब डेड बॉडी आएगी, डेड बॉडी है ना मेन, तो डेड बॉडी तो आए, पैसा तो आ जाएगा, पैसा तो कहीं ना कहीं से मांग लेंगे, उधारा ले लेंगे, किसी से ब्याज पे उठा लेंगे, कोई कहे तो सही भी हमारे साथ ग्रीस चलो तुम्हारी डेड बॉडी लेके आएंगे, कोई आके तो कहे, कोई नेता तो कहे आके, कोई भी तो नहीं आ रहा ना। क्या इनका क्या लड़का नहीं था क्या, वो मरा नहीं क्या, उसका मर्डर नहीं हुआ क्या, उसमें से 2 आदमी पकड़ लिए, बाकी 4-6 छोड़ दिए, ठीक है ना। उनसे किसी ने पूछा प्रशासन, इनको बुला के पूछा भी, देखो ये आदमी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, ये नहीं मान रहे हैं, ये मान गए हैं, कोई बात हुई है क्या? कहाँ प्रशासन, एक SP साहब थोड़ा सा वो कार्रवाई कर रहे हैं, वही तो एक SP साहब ईमानदार आदमी है, वो लग रहा है हमें थोड़ा सा ईमानदार है, बाकी सब बसली बिटे रहे हैं, सब बसली बिटे रहे हैं। क्या इनके घर में कभी मौत नहीं हुई क्या, इनके घर में कोई मरा नहीं क्या आज तक? देखो ना इस बुढ़िया काल, देखो आके माता काल, आज रोटी से भी तंग है, 10,54,000 रुपये इन्होंने ब्याज पे उठा के दिए है, वो बहन वो देखो अपने भाई को खा गई, कितनी गंदी है वो, मैं गंदी कह रहा हूँ उसको मीडिया के माध्यम से, वो गंदी है जिन्हें अपना भाई मार दिया, तो विदेश जा ही रहा था, तूने के खानी थी खा लेती, कोई रोकने वाला था थोड़ी था तेरे को, तूने इतना बड़ा काम क्यों किया, इतना जुल्म क्यों किया तूने, कितना बड़ा जुल्म किया तूने, कितना बड़ा विश्वासघात किया इस रिश्ते के ऊपर, कितना बड़ा इन्हें कलंक लगा दिया, एक बहन ने अपना भाई मरवा दिया। देखो देख सकते हैं समाज सेवी थे हमारे साथ, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि गंदा शब्द हमारी तरफ से, वो गंदा शब्द भी छोटा होगा, जिस बहन ने अपने भाई के साथ ऐसा काम किया। हमारे साथ हनी कालड़ा जी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको कि कार्रवाई हो रही है? सर देखो SP साहब कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो SP साहब देखो एक ईमानदार इंसान है, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं जी। कागजी कार्रवाई से मेरे हिसाब से 1.5 या 2 साल तक डेड बॉडी नहीं आती, क्योंकि अभी हम परसों SP साहब से मिले थे, वो ये कह रहे थे कि DNA की कोई उन्होंने मेल करी थी, DNA की कोई बात आई थी, DNA का यहाँ से कोई बंदा भेजना पड़ेगा, उन्होंने हमें दोबारा बुलाया था लेकिन हम मिल नहीं पाए SP साहब से। तो ना कोई अभी किसी MC ने सूद बूद ली, ना ही कोई मंत्री MLA आया कि चलो पीड़ित परिवार है कोई सूद बूद ले ले, वैसे ही आ जाए जी, नहीं कुछ मदद होती है तो परिवार के पास आके खड़ो, एक हौसला बहुत बड़ी चीज़ होती है जी, आप मेरे को हौसला दे दो, ये काम कर दो, आपकी सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, किसने हौसला भी नहीं दिया, मैं तो मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जी, मीडिया का जो पीड़ित परिवार के पास हर दूसरे तीसरे दिन आके इनकी आवाज़ उठा रही है जी,
हमें मीडिया का सहयोग है और किसी का सहयोग नहीं है जी हमें। अब तो हमारा ना एसपी साहब से भी उन्होंने प्रयास किया, अब तो हमारा उससे भी विश्वास उठ गया है। कल एमपी साहब का चुनाव था, हमने 22-22 गांव उनके लिए किए, वोटें मांगी, भीख मांग के उनको एमपी बनाया। आज कहाँ एमपी साहब, कौन सी उसमें बढ़ गए एमपी साहब? उनको ये मीडिया ये देख नहीं रहे होंगे, ये देख नहीं रहे होंगे जो तुम अब मीडिया बोल रही है, मीडिया ये काम कर रही है, वो देख नहीं रहे क्या? क्या उन्होंने आना नहीं चाहिए था? क्या कर्णदेव कंबोज जी ने नहीं आना चाहिए? यहाँ से विधायक रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। क्या राम कुमार कश्यप जी ने नहीं आना चाहिए था? कोई यहाँ का कांग्रेस इसका बीजेपी का कोई वर्कर आया आज तक? कोई नहीं आया। देखो अब इनके हालात कितने खराब है, देख सकते हैं दुख कितना बड़ा है। आपको हमने तस्वीरों में दिखाया, मुंह बोली सुनवाई, देख सकते हैं। अगर सुख में शामिल नहीं हो सकता तो दुख में अवश्य शामिल जरूर होना चाहिए। परिवार का जो दुख है वो जरूर आके उनके साथ साझा करना चाहिए। हमारी आप सभी से अपील, हाथ जोड़कर रहेगी, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। करनाल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, धन्यवाद।